चल जाने दे। वापस फोन करता हूं। दिखने रहा तू, ये चेकिंग हो रही है। अरे तेरी चेकिंग गई भाड़ में, हटाइए बैरिकेड। ये गाड़ी क्या तेरे बाप की है? ए, ये सड़क क्या तेरे बाप की है? ये सड़क क्या, ये शहर, ये मोहल्ला, ये सब हमारे बाप का है। जयकांत शिकरे के आदमी है हम लोग। चला रहे थे ऑन ड्यूटी, इंस्पेक्टर को गाली दी, पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं किया, लगाओ चार्ज। ए सिंघम, चार्जेस तो मैं लगा सकता हूं तुझ पर। आम नागरिकों के साथ तूने कोऑपरेट नहीं किया, पब्लिक हरेसमेंट और बेवजह वायलेंस किया, ऑन ड्यूटी अपनी वर्दी का गलत फायदा उठाया। ए, कोई एफआईआर नहीं लिखेगा तू, और कोई चार्जेस नहीं लगेंगे इन पे। जाने दो इन्हें, दीज आर माय ऑर्डर्स। लेकिन सर ये, अबे चुप कर, सीनियर हूं तेरा, मुझे सिखाएगा तू, बाजीराव सिंघम। चलो तो ऐसा चलता है इस देश के राजनीति में, सिस्टम हो ना हो, यहाँ के सिस्टम में राजनीति जरूर चलता है। कदम को पुलिस ने सपोर्ट नहीं किया, तेरे को डीएसपी ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए तू चाहता है कि मैं तेरे को सपोर्ट करूं। नाम क्या है तेरा? सर बाजीराव सिंघम। बाजीराव, बाजीराव, यहाँ पे तेरे फर्ज और इंसाफ की बात नहीं है, बल्कि हिम्मत और बेवकूफ़ी की बात है। क्या है, नंगे पर अंगारों पे चलने का सोचना हिम्मत की बात, नो डाउट, लेकिन एक्चुअली उस पे चलना बेवकूफ़ी है। अरे तू उस पे हाथ डालेगा ना तो तेरा हाथ जल जाएगा। लेकिन सर आप मुझे एक मौका तो दीजिए, आपके सपोर्ट से। क्या क्या सपोर्ट सपोर्ट बात करता है तुम्हें, क्या मूर्ख है तुका सांगते थे, डोका मिल रहा तुझा है? और तू शिकरे को क्या समझता है, हैं? तेरे गांव का वो कोई चाय वाला है जो चाय की जगह पे दारू बेचता था, इसलिए तू उठा के उसको अंदर कर दिया? अरे बाबा, उसके एक महीने का जो इनकम है ना, उससे तेरा पूरा गांव तेरे साथ पूरा 10 साल तक खाना खाएगा, वो भी पेट भर के। उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, नॉनसेंस। मिनिस्टर के साथ, पुलिस वालों के साथ, पब्लिक के साथ। तू एक काम कर, ये पानी अपने मुंह पे मार, होश में आ। तू ड्यूटी कर रही है, उंगली मत कर गांव। हाँ तो शिरोड कर, हाँ तुका काय सांगता है या वेला फक्त होर्डिंग वर भागायचं नाही। तू तू खड़ा क्या है, मेरा मुंह क्या देख रहा है, मैं राम कथा बोल रहा हूँ क्या? मेडल चाहिए तेरे को, चल भाग। क्या हो क्या रहा है, पागल हो गया क्या तू? लिक्कर का केस डाल दिया, फिर मारपीट का चार्ज लगा दिया, उसके बाद खुद एफआईआर फाड़ के बेचारे शिवा को अंदर कर दिया, क्या चाल है क्या है? अरे बाप का राज है क्या? साहब, शिवा नायक ने हमारे सामने एफआईआर फाड़ा था। अरे हाँ सर, मैंने भी देखा था। जी सर, मैंने भी देखा था। अच्छा, तुम लोग सब अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो। हाँ ठीक है, शिवा नायक ने एफआईआर फाड़ा, फिर भी मैं ऑर्डर दे रहा हूं उसे रिलीज करो अभी इसी वक्त। अभी जो बोला वो राइटिंग में दीजिए, फिर सोचूंगा। तू जानता किससे बात कर रहा है? मैं तेरा सीनियर। अबे चुप। जानता हूं किससे बात कर रहा हूं, उस ऑफिसर से जो अरेस्ट होने से पहले गुंडों को छुड़वाने आ जाता है। हमारी ड्यूटी मुजरिमों को पकड़ने की है, उसके लिए पावर या पोस्टिंग की जरूरत नहीं, सिर्फ दम की जरूरत है, दम। तू इस जोन के डीएसपी से बात कर रहा है, डीएसपी से? और अब बाजीराव सिंघम से, जो सही के साथ सही और गलत के साथ सही करने की हिम्मत, ताकत और जुर्रत रखता है। मैं क्या क्या मैं डिसमिस करेगा, सस्पेंड करेगा तो करना। तुम लोगों को इन चीजों से फर्क पड़ता होगा, मला फर्क नहीं पड़ता। गांव जाऊंगा, मेहनत करूंगा, अपनी जरूरतें पूरी करूंगा। मेरी जरूरतें कम है, इसलिए मेरे समीप में दम है। चुप कर, छोटे से गांव का एक मामूली इंसान। अरे गांव या शहर, सरकार हम पुलिस वालों को एक जैसी वर्दी देती है जिसमें शेर का एम्बलम माथे पर होता है, लेकिन मेरे यहाँ है सीने पर। अपने सीनियर से जबान लड़ाता है, अपने सीनियर से नहीं, मैं उस पब्लिक सर्वेंट से जबान लड़ा रहा हूँ जो पब्लिक का नहीं, एक गुंडे का, जयकांत शिकरे का सर्वेंट है। वो
भूल मत, मेरे कंट्रोल में 10 पुलिस स्टेशन है जिसमें से तेरा ये... मेरे कंट्रोल में सिर्फ यही एक पुलिस स्टेशन है। इसमें जो टांग अड़ाएगा मैं उसकी टांगे तोड़कर उससे सड़क पे भीख मंगवाऊंगा। अच्छा कावत, वेरी वेल डन, इसको बोलते हैं ड्यूटी। आप सब लोग गुड नहीं गुडेस्ट हो। और बाजीराव तू, अरे गोवा का फेनी, गोवा का काजू, गोवा का कलंगूट बीच इतना फेमस नहीं जितना तू फेमस हो गया। अरे विदाउट एनी सपोर्ट तू इतना अच्छा काम किया है, नॉन सेंस। अरे मैं तेरे को सपोर्ट करने को तैयार है। हाँ, आज से मैं तेरे को हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ट्रेनिंग का चीफ बनाता है। ये नया नया कॉलर लड़का आता है ना, तू उनको ट्रेनिंग देगा। ये किडनैपिंग वगैरह का चिरकुट केस अपना डीएसपी पाटकर संभालेगा। खुश? सीधे सीधे बोलना, तू मुझे इस केस से हटाना चाहता है और जयकांत को बचाना। ये क्या बोल रहे तू है? जयकांत कौन है मालूम है तेरे को? कौन है मालूम है? हाथी है वो हाथी, उसके सामने तू चीटी भी नहीं है, चीटी बात करता है। जब चीटी हाथी के कान में घुस जाती है तो वो हाथी से भी तांडव करवा सकती है। कैसे घुसेगा रे तू है? कैसे घुसेगा? तेरे को कितनी बार समझाया गांवठी कि जयकांत के खिलाफ तेरे पास कोई सबूत नहीं है। क्या सबूत है इसके पास? बोलना क्या सबूत है तेरे पास, क्या है? तेरे बाप के पास क्या सबूत है कि तू उसका बेटा है? साला सबूत नहीं तो हर गुनेगार बेकसूर। देख तू मेरे सबूत नहीं तो हम नेता के कुत्ते। देख तूने मेरे को मारा है, मेरे पे हाथ उठाया, मेरे सर पे हाथ उठाया तूने। इस बात का क्या सबूत है कि मैंने तुझ पर हाथ उठाया? ये लोग आए ना, इन्होंने देखा, तुम लोगों ने देखा ना इसने क्या किया? क्या हुआ साहब? तुम लोगों ने देखा ना इसने मेरे को मारा? क्या मस्करी करते हैं साहब, सिंघम साहब तो अपने जगह पे खड़े हैं, उन्होंने आपको टच भी नहीं किया। तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो, एक दूसरे से मिले हुए हो तुम। ए, तेरा नाम बाजीराव होने से कुछ नहीं होता, तू क्या समझता है बाजीराव होने से तू क्या मराठा होगा क्या? लेकिन मैं तेरे को बताएगा कुर्सी का पावर क्या होता है, वो मैं बताएगा तुम लोग कुर्सी का पावर क्या होता है। बहुत कुर्सी कुर्सी करता है ना तू, इस बार तुझे ऐसी जगह मारेंगे कि जितनी बार कुर्सी पे बैठेगा हमें याद करेगा। मुझे वागाचे पंजे तुझे जगावा दिया रे। साहब मेरा 6 महीना बाकी है रिटायरमेंट का, मैं भी एक मारूं? क्यों टक? हाँ।